हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रूपशा और आज मैं आपको कैनवा में दिखाऊंगी कैसे हम एब्स्ट्रैक्ट मल्टी कलर टेक्स्ट इफेक्ट कर सकते हैं कैनवा में। तो इसलिए मैं एक पेज क्रिएट कर लिया canva.com में। तो पेज क्रिएट करने के बाद आप चाहो तो अपने हिसाब से अपने साइज का पेज एक क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो इसके बाद मुझे क्या करना है, मैं एब्स्ट्रैक्ट मल्टी कलर टेक्स्ट इफेक्ट देना चाहती हूँ, तो इसके लिए मुझे एलिमेंट बार में जाके सर्च करना होगा मल्टी कलर एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग। तो ऐसे बोल के हम अगर सर्च करेंगे तो हमें इस तरह बहुत सारा फ़ोटोज़ मिल जाएंगे कैनवा में। तो फोटोज़ में जाकर हम सी ऑल करेंगे तो इसके अंदर बहुत सारा ऐसे मल्टी कलर एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग जैसे बैकग्राउंड आप देख सकते हो, ठीक है। तो इसमें से ही कोई एक को हम चूज़ करेंगे, आप अपने पसंद से चूज़ कर लेना और इसको हम इस्तेमाल करेंगे अपने डिज़ाइन में। तो इसको लेकर हम टेक्स्ट इफेक्ट कैसे दे सकते हैं, तो चलिए देख लेते हैं। तो पहले हमें क्या करना है, कीबोर्ड से टी प्रेस करना है, यानी कि टेक्स्ट टूल आ जाएंगे हमारा। तो इसके बाद हम यहाँ पर कोई वर्ड लिख लेते हैं, तो जैसे कि कैनवा। तो कैनवा लिखने के बाद हम इसको अपर केस में कर लेंगे और इसका जो फॉन्ट वो हम इस फॉन्ट में करेंगे। 210 बोल के अगर आप सर्च करोगे तो ऐसे अगर स्क्रॉल डाउन करोगे तो एकदम सबसे लास्ट में आप दिख जाएंगे ऐसे एक फॉन्ट। तो इस फॉन्ट को यूज़ करके मैं आज ये डिज़ाइन बनाऊंगी, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि इस फॉन्ट, ये एक ऐसे फॉन्ट है जैसे लग रहा है कि इस फॉन्ट के अंदर वो पिक्चर है जो हम देना चाहते हैं, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट मल्टी कलर जो इफेक्ट देना चाहते हैं वो हमारा हो गया। पर इसके लिए हमें क्या करना है, ये जो टेक्स्ट है, ये एक टेक्स्ट है, तो इस टेक्स्ट को बैकग्राउंड कलर के साथ मैच करना है। तो मैं वाइट कर दिया, तो इसको हमें ऐसे ये जो एजेस है इसको मिला देना है। फिर ये जो पिक्चर है इस पिक्चर को हमको ऐसे क्रॉप कर लेना है। ठीक है, तो देखिए क्रॉप करने के बाद एकदम हमारा जो मल्टी कलर टेक्स्ट इफेक्ट वाला जो वर्ड बन के तैयार है। तो इसको आप चाहो तो कोई दूसरी बैकग्राउंड पे भी आप डिज़ाइन के हिसाब से फूट कर सकते हो। तो इसके लिए आपको बस इसको डाउनलोड करना है, तो PNG फॉर्मेट में आप डाउनलोड करेंगे तो आपको ये मिल जाएंगे। तो इसको आप देख सकते हो कि ये विथ बैकग्राउंड है, यानी कि एक वाइट बैकग्राउंड आ रहा है इसमें। तो इसको हम रिमूव बैकग्राउंड में देकर इसका जो बैकग्राउंड है वो रिमूव कर लेंगे। तो रिमूव करने के बाद ये हम कोई भी बैकग्राउंड में पुट कर सकते हैं और आप चाहो तो अपने डिज़ाइन में भी ये पुट कर सकते हो। तो चलिए देख लेते हैं कि हमारा जो ये था, तो इसको मैंने रिमूव बैकग्राउंड में डाल दिया, तो इसका बैकग्राउंड भी रिमूव हो गया। तो हम डाउनलोड कर लेंगे, तो कैनवा का नया एक पेज लेकर हम कोई दूसरा बैकग्राउंड दे देंगे। आप चाहो तो ऐसे कोई बैकग्राउंड या फिर अपने हिसाब से अपने पसंदीदा कोई बैकग्राउंड आप दे सकते हो। तो बस उसके बाद आपको जो टेक्स्ट हम रिमूव बैकग्राउंड में जाकर रिमूव किए थे वो टेक्स्ट हमको मिल गया, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड में मिल गया, आप चाहो तो कोई दूसरा बैकग्राउंड भी इसमें दे सकते हो, ऐसे कोई एब्स्ट्रैक्ट वाला कोई बैकग्राउंड दे सकते हो, ठीक है। तो आज का ये जो हमने कैनवा वाला
वर्ड में जो मल्टी कलर टेक्स्ट इफेक्ट डाल के दिखाए हैं, तो ये जो इफेक्ट है इसको हम ब्लैक कलर में भी कर सकते हैं, ठीक है, हम अगर चाहें तो ब्लैक बैकग्राउंड में भी कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, और एक पेज ले लेती हूँ मैं, तो और कोई दूसरा फॉन्ट अगर चाहो तो वो भी कर सकते हो आप यूज़। तो सिर्फ आपको एक ब्लैंक पेज ले लेना है और उसके बाद टी प्रेस करके फिर से आप अपनी वर्ड लिख सकते हो। मैं फिर से कैनवा लिख रही हूँ, तो इसको हम अब कोई भी फॉन्ट दे सकते हो, ठीक है, आप अपने हिसाब से कोई भी फॉन्ट दे सकते हो। तो इस बार मैं हैंडराइटिंग वाला कोई फॉन्ट चूज़ कर रही हूँ, तो इसमें एक बहुत ही अच्छा फॉन्ट है वाटर लिली बोल के, आप ट्राई कर सकते हो। तो ये पेंटिंग ब्रश के तरह ये दिखते हैं, ठीक है। तो ये जो फॉन्ट मैंने यूज़ किया है इसको हम ऐसे मल्टी कलर टेक्स्ट इफेक्ट, एब्स्ट्रैक्ट मल्टी कलर टेक्स्ट इफेक्ट हम देंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, बस हमें एक रेक्टेंगल ले लेना है, तो इसमें से हम ऐसे करके ले लेंगे और इसको हम सेंड टू बैक कर लेंगे। तो सेंड टू बैक करने के बाद ये तो बिहाइंड लेयर में चला गया है, एकदम पीछे के लेयर में चला गया। तो इसके बाद ये जो वर्ड था इसको हम वाइट कर देंगे, ठीक है। तो इसको वाइट करके हम ऐसे इसको कर देंगे। तो इसके बाद हमें क्या करना है, ये वाला जो पेज है इसको हमें डाउनलोड करना है। तो चलिए हम डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये था हमारा जो डाउनलोड वाला जो पिक्चर जो कैनवा ने हम क्रिएट किए थे, तो इसको हम रिमूव बैकग्राउंड में डालेंगे। तो रिमूव बैकग्राउंड के में डालने के बाद ये जो बैकग्राउंड था और ये जो टेक्स्ट के अंदर जो बैकग्राउंड था वो भी रिमूव हो गया। तो एक बात और कह देती हूँ कि आपके पास अगर कैनवा का प्रीमियम अकाउंट हो तो आप रिमूव बैकग्राउंड यूज़ करने के बजाय आप कैनवा से ही बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो, क्योंकि प्रीमियम अकाउंट में तो कैनवा में रिमूव बैकग्राउंड वाला ऑप्शन होता है, ठीक है, तो आप चाहो तो उसमें से कर सकते हो। तो मेरे पास प्रीमियम अकाउंट नहीं है तो इसके लिए मैं रिमूव बैकग्राउंड ऐप यूज़ कर रही हूँ। तो चलिए मैं ये जो रिमूव बैकग्राउंड में से ये जो पिक्चर आए हैं तो इसको हम कैनवा में अपलोड कर लेंगे, ठीक है। तो कैनवा में ये अपलोड कर लिया तो हमारे पेज में ये ले लेंगे और इसको लेकर हम ऐसे मिडिल में और सेंटर में बिठा देंगे, ठीक है। और फिर से हम कोई मल्टी कलर एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग वाला ऐसे पिक्चर हम ले लेंगे, जैसे कि ये वाला एक पिक्चर, ये भी बहुत अच्छे हैं। तो इसको लेकर हम ऐसे सेम टू सेम प्रीवियस में जो किए थे हम वो ही करेंगे, ठीक है। तो इसको पहले मैं ये जो है इसको हम ऐसे क्रॉप कर लेते हैं, ठीक है, यानी कि ये जो कैनवा वाला वर्ड है तो इसको हम क्रॉप कर लेंगे। तो इसके बाद हम ऐसे पिक्चर को भी क्रॉप कर लेंगे। तो ये जो एब्स्ट्रैक्ट पिक्चर था उसको भी हम क्रॉप कर लिया। तो फिर उसके बाद हम बैकग्राउंड को ब्लैक कर लेंगे। तो उसके बाद आप देख सकते हो कि देखिए
ब्लैक बैकग्राउंड में और कोई दूसरे टेक्स्ट में ये भी हम मल्टी कलर एब्स्ट्रैक्ट टेक्स्ट इफेक्ट दे दिया। तो ऐसे आप चाहो तो कोई भी टेक्स्ट में किसी भी फॉन्ट में आप ऐसे मल्टी कलर एब्स्ट्रैक्ट टेक्स्ट इफेक्ट दे सकते हो, बस आपको ये प्रोसेस फॉलो करना है, ठीक है। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा तो ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और हमारा ये वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।